में यार बार बार ट्रांसलेटर वाला ही हो रहा है। तो भाई ये करते हैं वेदर वाला। और भाई अभी देखो 10 बजे हैं और 48 डिग्री टेम्परेचर। सुबह के बज चुके हैं 12 और आपका भाई जा रहा है अभी ड्यूटी। तो देखो भाई रात के नज़ारे ये है और आपको पता ही होगा ये आपके भाई की बिल्डिंग है। चलो भाई चलते हैं काम पे और होती है आपके आपसे वहाँ पे बात। तो भाई आ गए हम ड्यूटी पे और अभी भाई जो टाइम हुआ है वो 1 बज गया है, क्योंकि भाई हमें रूम से 1 घंटा लगता है पूरा आने के लिए। तो अभी जा रहे हैं भाई अपना तेल पानी चेक करके एन ओके है, फिर उसके बाद स्टार्ट किया। अभी जा रहे हैं भाई लाइट लेने के लिए, जो कि उधर है भाई लाइट। और आपको पता ही है सुबह सुबह क्योंकि अंधेरा होता है तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ कंक्रीट वालों के साथ काम लगा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे लाइट की ज़रूरत होती है। तो आपका भाई जान अभी लाइट लेने जा रहा है और वहाँ से लाइट लेके वहाँ पे छोड़ देगा, उसके बाद देखो क्या काम मिलता है। तो भाई अभी लाइट उठा ली है और जा रहे हैं भाई, ये जब कंक्रीट होगी वहीं पे छोड़नी है ये लाइट। मॉर्निंग का टाइम है और आपके भाई का हो गया एसी खराब, यहाँ पे रखा हुआ है सिलेंडर, पता नहीं गैस खत्म हो गई है या क्या हुआ। तो अभी एसी की हवा भर के उसके बाद जाएंगे, लकड़ियाँ उठाई हुई है आपके भाई ने और फिर से इसको फेंक के फिर पता नहीं क्या काम करते हैं, देखते हैं। तो भाई एसी खराब है और आज ठीक नहीं होगा क्योंकि भाई कंप्रेसर हो गया खराब। तो अभी देखते हैं कब लगता है एसी और चलते हैं काम पे। तो आज आपका भाई कर रहा है, दिन हो गया है तो लोडिंग कर रहा है आपका भाई। और ये देखो भाई ये वाली गाड़ियां भर रहा है आपका भाई। और जैसा कि आपको बताया तो आपका भाई आज कैप्टन बना हुआ है। कैप्टन भी क्यों, क्योंकि आपको पहले बताया कि भाई एसी का कंप्रेसर है जो वो ख़राब हो गया है। तो भाई कभी कभी ऐसे हालात भी होते हैं कि एसी ख़राब हो जाए, तो आपको पता ही है गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी नाइट ड्यूटी से स्टार्ट हो गई है, अभी टाइम भाई 7:30 के करीब हुआ है ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी भाई गर्मी तो आपको पता है। अगर शीशे सारे बंद कर लूँ तो भाई अंदर तो मैं उबल जाऊँ, मर ही जाऊँ। ये देखो भाई अभी तो शीशे खोले हुए हैं और हवा वगैरह चल रही है ना, तो इधर से आपका भाई जो गाड़ियाँ लोड कर रहा है। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई हमें कोई एजेंट बता दो, है ना, कि एजेंट कैसे आए कुवैत में। तो भाई देखो सबसे पहले तो भाई देखो यहाँ से इंटरव्यू जाती है एजेंटों के पास, ठीक है। नंगल डैम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा है। और नंगल डैम तो आपको पता ही है एजेंटों का गढ़ है नंगल डैम, ठीक है। वहाँ पे तो बहुत सारे एजेंट हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनी में इंटरव्यू मतलब जाती है, आप उस कंपनी में एजेंट को बोलो कि भाई हमने बाहर जाना है, तो एजेंट आपको बताएगा कि भाई सऊदी की वैकेंसी आई हुई है, सऊदी कंट्री की वैकेंसी आई हुई है, इतनी सैलरी है, इतना ओवर टाइम है या कुछ है, है ना। तो वो बता देता है। और कुवैत की भी वो बता देता है कि भाई कुवैत में फूड आपका है या अपना है, नहीं है, तो ऐसे होता है ना। तो भाई देखो अगर आपने आना है तो एजेंटों के थ्रू ही आपको आना पड़ेगा कंपनियों में। बहुत कम चांस है कि आप ऑनलाइन आ सकते हो, लेकिन भाई बहुत कम ही चांस है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके कंपनी में आ सकते हो। लेकिन भाई ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग हैं जितने भी आए हुए हैं तकरीबन भाई वो एजेंट के थ्रू ही आए हुए हैं, एजेंट को एजेंट ने ही उनको भेजा हुआ है। तो एजेंट आपको पता ही है 1.5 लाख से ऊपर अभी ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। और कुछ मेरे भाई बोलते हैं कि भाई एजेंट का नंबर दे दो, आप किसके जरिए आए। तो भाई देखो मैं अगर नंबर आपको दे भी दूं, ठीक है, और कल को कोई बात हो जाए तो आप मेरे को ही गालियाँ निकालेंगे कि भाई ने ऐसा बोला था कि ये बंदा ठीक है, ये ऐसा हो ऐसा, है ना। तो इसलिए मैं किसी एजेंट का नंबर नहीं देता। और भाई ज़्यादातर एजेंट जो होते हैं उनको भी कंपनी के बारे में नहीं पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है ना। तो यही बात बताने के लिए आपका भाई बैठा हुआ है, तो आपका भाई कंपनी का पता करता है और आपको बताता है कि सैलरी टाइम से है और खाना पीना आपका खुद का है या कंपनी का है, कंपनी का रूम कैसा है और ट्रांसपोर्टेशन मतलब आप काम पे कैसे जाते हो, कंपनी की गाड़ी कैसे आपको लेती है, आपका खुद का किराया या नहीं है, है ना। तो ऐसे होता है भाई।
तो यही इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं। और भाई गर्मी सच में आज बहुत ज़्यादा है, तो आपका भाई अभी लगा हुआ है यहाँ पे काम करने के लिए, तो अभी गाड़ी आ जाएगी तो उसको लोड करते हैं। ये देखो भाई, ये गाड़ी पैक कर रहा है ना, ये सीधा लोडर के नीचे ही आके खड़ी करेगा गाड़ी। इसको मार दिया हॉर्न, तो अभी करते हैं इसको लोड है ना। ये रही हमारी लास्ट गाड़ी, क्योंकि हमने भर दी है। और भाई एसी आज काम नहीं किया, और भाई मैं आपको लाइव टेम्परेचर दिखाता हूँ कितना है, ठीक है। इस वक्त भाई फोन भी हाथ में इतना गर्म है ना कि फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो यहाँ पे करते हैं हम सर्च करते हैं भाई वेदर। यार बार बार ट्रांसलेटर वाला ही हो रहा है, तो भाई ये करते हैं वेदर वाला। और भाई अभी देखो 10 बजे हैं और 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो 1 बजे तक भाई जाएगा, 2 बजे भाई 50, 3 बजे 50। तो भाई मत पूछो, बहुत बुरा हाल है इस वक्त भाई। और भाई चलते हैं और वहाँ पे लोडर खड़ा करते हैं, क्योंकि आज आपके भाई की भी हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि एसी नहीं है और शीशे खोल के भाई पता क्या है, शीशे खोल के हवा तो आ रही है लेकिन भाई धूड़ है ना, जो मिट्टी है भाई सब अंदर आ जाती है। अभी देखो शीशे का क्या हाल हो गया है ना, तो अंदर भी देखो भाई सब मिट्टी मिट्टी हो गया। तो भाई आज का बहुत बोरिंग दिन रहा, तो कल आ जाएगा कंप्रेशर तो वो डाल देंगे। तो भाई चलो चलते हैं फिर हमें आगे। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके भाई की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।